एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र ने बात की है आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा से, जो कपिल मिश्रा के खिलाफ अनशन पर हैं। कपिल मिश्रा के आरोपों पर संजीव झा की प्रतिक्रिया लेते हैं, जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और कपिल मिश्रा के अनशन के जवाब में जंतर मंतर पर अनशन कर रहे हैं। संजीव जी, कपिल मिश्रा ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं चंदे को लेकर के, तमाम तरह की गड़बड़ियां जो है कथित तौर पर हो रही हैं, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। देखिए, कपिल मिश्रा जितने आरोप लगाए हैं ये पहली बार आरोप नहीं लगे हैं। पिछले 2 सालों से ये सारी बातों का जवाब इनकम टैक्स नोटिस के जरिए आ चुका है, हमने उस जवाब को सबमिट कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने देखा होगा कि कपिल मिश्रा के बगल में एक नील टेरेन नाम का बंदा बैठा हुआ है, जो भाजपा का बंदा है। वो लगातार 2 साल से ये सारी बातें कहता रहा है। जवाब ऑलरेडी हम सबमिट कर चुके हैं। माननीय अदालत में भी कई सारी बातें कही थी। पहली बार देश में किसी एक पार्टी के बारे में माननीय अदालत ने कहा था कि आम आदमी पार्टी में चंदे की कहीं हेरा फेरी नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि मेरे साथ जितनी भी बातें आज उन्होंने किया उसमें कोई नई बातें नहीं थी, वो सारी वही बातें थी जो पहले मीडिया के जरिए आप लोग भी उठा चुके हैं और ऑलरेडी इनकम टैक्स में के नोटिस जवाब में हम लोग सबमिट कर चुके हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर वो कर क्यों रहे हैं ऐसा। कर वो इसलिए रहे हैं, रोज एक नए कीचड़ उछाल रहे हैं। 7 तारीख को उन्होंने एक झूठा आरोप लगाया था। अब वो आरोप चूंकि झूठा है, मैं अनशन में बैठकर उनसे पूछ रहा हूँ कि ये बता दो कि आप जो 5 में जो हमारे लिए सबसे बड़ा आरोप था कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने 2 करोड़ रुपए सतेंद्र जैन से लिए, तो मेरा ये उनसे सवाल है कि आप कब गए थे ये बता दीजिए। अब उनको लगता है कि इस झूठ से हम बच जाएंगे, लेकिन हम बचने नहीं, इनको हम बेनकाब करके छोड़ेंगे। लेकिन फिलहाल तो वो आपको बेनकाब करने का दावा कर रहे हैं और उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं। एक तो ये कि बेनामी कंपनियों ने चंदा दिया, उनका कथित तौर पर आपके विधायकों से कनेक्शन था उन बेनामी कंपनियों का। नोटबंदी के दौरान जिस तरीके से एक बैंक चर्चा में आया था, विवादों में आया था, वो उसका नोटबंदी कनेक्शन भी जुटा रहे हैं। वो अभी भी अपने सवाल पर अडिग हैं कि विदेश जो आपके कई सारे नेता गए वो किस मकसद से गए थे, इसका खुलासा किया जाए। और कुल मिलाकर के कपिल मिश्रा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को कॉलर पकड़ कर वो तिहाड़ जेल लेकर के जाएंगे। देखिए, आज उनकी फ्रस्ट्रेशन समझ में आती है, या तो फ्रस्ट्रेशन है या आज जो बंदा सामने उनके साथ दिखा उससे लगता है कि ये बीजेपी के लोग उनको फीड कर रहे हैं ऐसा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।